तो दोस्तों भाई हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस सर्विस के स्टॉक के बारे में। बजाज फाइनेंस सर्विस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर 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 हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने वाले से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिल रही है। हालांकि आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.47% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक में 1532 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1494, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1453, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1423 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 1559 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ पर स्टॉक है 1604, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1665, और अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1716, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1794, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1870 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।